हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दीपक नाइट्रेट लिमिटेड शेयर के बारे में। ओके, तो पहले जानेंगे ये शेयर आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट देखेंगे, उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर आपका हाई गया था 2033.10, लो गया था 1985 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया है 0.79% का एंड आज के डेट पे ये शेयर क्लोज हुआ है 2012.80 पे। ओके, इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है ₹27,453.19 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹27,448.76 करोड़ एंड पीई रेशियो है 56.46। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 0 करोड़, मतलब एक कंपनी एक बिल्कुल ही डेप्थ फ्री कंपनी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹4.43 करोड़ एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.25। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹35.65, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.27% एंड ROCE है 27.32%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये जो कंपनी है दीपक नाइट्रेट, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 45.72%, पब्लिक का होल्डिंग है 35.5%, DII का होल्डिंग है 10.03% एंड FII का होल्डिंग है 8.76%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 45.72% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस कंपनी का लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया और इसका जो भी फिगर पूरा आपका करोड़ में ही है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा नेट सेल्स देख लेंगे। तो देखिए, नेट सेल्स आपका लास्ट क्वार्टर मतलब आपका मार्च 2022 का क्वार्टर में हुआ है कितना, 750.24 करोड़, जो कि उसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, मतलब लास्ट क्वार्टर में 204.93 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट हुआ है 142.70 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो इस शेयर का मार्च 2022 का जो Q4 का रिजल्ट निकल के आया वो आपका बहुत ही अच्छा आया है। ओके, और एक चीज देखिए, इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू भी इंक्रीज करते जा रहा है एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करते जा रहा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी ने अभी तक मैक्सिमम रिटर्न दिया है आपका 11,163.40% का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, मैंने यहाँ पे एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया है, जो कि इस शेयर का एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। कैसे देखिए, लास्ट टाइम ये शेयर जब ऐसे गिर रहा था, यहाँ तक गिर के इसको तोड़ नहीं पाया, इस लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा, फिर से देखिए जब भी ये शेयर गिरा इसी लाइन को तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड जस्ट 2 दिन पहले मतलब मंडे के दिन यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था और तब से देखिए ये शेयर अभी ऊपर की तरफ ही भाग रहा है एंड आज के डेट पे भी यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिखा। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो देखिए RSI 40 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI अपट्रेंड हो चुका है। ओके, और अगर हम लोग MACD की बात करेंगे तो देखिए MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके,
तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया। तो देखिए ये शेयर जब भी इस लाइन के नजदीक आया था इसको तोड़ नहीं पाया था और फिर से ऊपर जब गया फिर से देखिए इसी लाइन के नजदीक आया इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी जो करंट वीक चल रहा है इस वीक में यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है जो कि एक अच्छा बात है। अगर हम लोग वीकली चार्ट के हिसाब से आपका मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है जो कि टेक्निकली अच्छा बात है। ओके तो मेरे हिसाब से अभी जो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस है लगभग आपका 2012 अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 6 से 7 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि 6-7 महीने के अंदर ये शेयर आपका 2500 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।